आज नाश्ते में इडली बनानी है और चावल और दाल को भिगोना ही भूल गए, तो क्या करें, इंस्टेंट इडली बनाई जाए, क्यों नहीं। इंस्टेंट के साथ साथ वो हेल्दी भी है, बहुत जल्दी से भी बन जाती है, तो क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। तो एक कप हम ले लेंगे सूजी, सूजी को हमें मिक्सी जार में ही डाल देना है। 1/4 कप हम ले लेंगे राइस फ्लेक्स, 1 कप हम ले लेंगे दही, उसके बाद हमें डालना है पानी, पानी भी हमें लेना है 1/4 कप, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। अब नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, वो तो बहुत ज़रूरी है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सूजी अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है और एक अच्छा सा बैटर तैयार हो गया है। अब इसे बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बर्तन में। कभी भी इडली खाने का मन हो तो इंस्टेंट आप इस तरह की इडली बना सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। सिर्फ कुछ मिनटों ही लगती है इसे बनने के लिए और चाय के साथ तो स्पेशली बहुत अच्छी लगती है। तो अब इस बैटर को करीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। तब तक आप अपने बाकी के काम भी कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद हमारी जो इडली का बैटर है वो अच्छे से सेट हो चुका है, सूजी ने जो भी पानी पीना था वो पी लिया है और एकदम परफेक्ट बैटर तैयार हो गया है। अब लगा लेते हैं तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच जितना तेल ले लिया है, उसमें हम राई जीरा ऐड कर देंगे और अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 1 चम्मच जितना चना और उड़द की दाल ले लेंगे, ग्रीन चिली, नीम के पत्ते और हींग डाल देंगे। जब तक हमारी दाल अच्छे से रोस्ट हो जाए तब तक इसे रोस्ट करना है। अब डाल देंगे ऑनियन, मैंने यहाँ पे आधा कप जितना ऑनियन लिया है। ऑनियन को करीबन आधा मिनट हमें रोस्ट करना है और अच्छे से इसे सौते कर लेना है। ऑनियन सौते हो जाए उसके बाद वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे गाजर और कैप्सिकम लिया है, आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और करीबन 1 से 2 मिनट इसे पकाएंगे, तब तक जब तक हमारी जो सब्जियां हैं वो सॉफ्ट ना हो जाए। तो हमारी सब्जियां भी सॉफ्ट हो चुकी है, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हमारे इडली बैटर में डाल देंगे। अगर आपके बच्चे इडली नहीं खा रहे हैं इस तरह की, तो आप वेजिटेबल इडली बना सकते हैं। अगर कहीं बच्चे वेजिटेबल्स भी नहीं खा रहे हैं तो इसी तरह आप इडली बना के भी उसे खिला सकते हैं, खाने में बहुत अच्छी लगती है और जल्दी बन जाती है, उसे टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इडली स्टीमर का यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो कैसे बनाएंगे हमारी इडली वो भी देख लेते हैं। तो उससे पहले हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे और उसे एक्टिवेट करने के लिए नींबू का रस भी डाल देंगे। अब चलते हैं हमारी इडली को स्टीम करने के लिए, बिल्कुल नए तरीके से स्टीम करना है आज हमें इडली को। तो मैंने यहाँ पे एक इस तरह की बर्तन को पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और एक डिश ले ली है इस तरह। डिश पे हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल और जो इडली का बैटर है उसे उसमें स्प्रेड कर देंगे। ऊपर ढक देंगे उसी के नाप का एक बर्तन और करीबन 3 से 4 मिनट ही हमें इसे स्टीम करना है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो अब देख सकते हैं कि हमारी इडली एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी है और वेजिटेबल्स इसमें हमने डाले हैं ताकि इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आया है। ये इंस्टेंट इडली है, इसमें हमने कोई भी फर्मेंटेशन भी नहीं किया है, फिर भी आप देख सकते हैं कि एकदम सॉफ्ट इडली बनी है। तो सुबह के नाश्ते में आप चाय के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं, बच्चों को भी नाश्ते में दे सकते हैं।